ठीक है, तो बढ़िया सा फ्लायर बनाते हैं। फ्लायर के लिए फ्लायर लिख देंगे सबसे पहले, और हम एक ब्लैंक पेज लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। लेट्स स्टडी, हम क्या बना सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक ट्रैवल पोस्टर बनाने का बढ़िया से, और लेट्स सी कैसा बनता है कैसे नहीं बनता है। इन दी बैक एंड, मतलब अभी जो मैंने सोचा हुआ है ना वो बताती हूँ। मैंने ऐसे सोचा हुआ है कि हम वाइट कलर में ही बनाएंगे कुछ तो भी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बैकग्राउंड शेड और ये, तो मिनिमल रखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो विद ट्रैवल पोस्टर। इस बार हम बैंकॉक बैंकॉक थाईलैंड वाइलैंड टाइप की जो जगह है उधर के लिए बनाते हैं। लेट्स सर्च फॉर थाईलैंड। ओके, कुछ इमेजेस देखते हैं कैसी इमेजेस हैं, क्या है क्या नहीं है हमारे पास थाईलैंड के लिए। सो हम सीधा ये फोटोज पे जाते हैं ताकि रियलिस्टिक चीज़ जो है वो हम बना पाएं। एंड या प्रिटी इमेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर खूब सारी सुंदर सुंदर। लेट्स सी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इमेज लेती हूँ मैं, तो पहले कुछ इमेजेस ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और राइट, तो मैंने कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। एक पेज और ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे सर्कल के लिए, एंड हम जाएंगे सीधा फ्रेम्स पे, और एक हम बढ़िया सा सर्कल ले लेंगे, एंड इसका साइज हम मिडिल में थोड़ा सा इस तरीके का रख देंगे, एकदम एग्जैक्ट बड़ा बड़ा सा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो सेंटर में हम ले लेंगे। नाउ वी हैव टू चूज एक मेन इमेज, तो मैं सोच रही हूँ पहले कौन सा ले लूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, तो हम इसके साथ जाते हैं एंड हम इस वाली मेन इमेज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और उसी मेन इमेज को जो है हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर, एंड वी विल रिमूव द बैकग्राउंड। अगर वो डिटेक्ट कर पाया तो अच्छी बात है, बाकी नहीं कर पाया, मुझे लग ही रहा था कि नहीं कर पाएगा। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये भी काम चल जाएगा। सो अब हम जो हमारी इमेजेस हैं उनके बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं बढ़िया से। सो अब जो हमारी इमेजेस हैं उनके हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे एक ये इमेज है, अब सब प्लेसमेंट का काम है, बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। ये सेम ही है, बट मैं देखूंगी कि किसका पोजीशन कैसा लग रहा होगा। ये हटा देंगे हम, बाजू वाला मंदिर है ये, हाथी चाहिए होंगे हमें, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। ये तो हो गई इमेज, एंड दिस विल लुक प्रीटी गुड। हम इसका भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। वाह कूल। सो हमारे पास एलिफेंट्स भी आ चुके हैं इस तरीके से। ओके, इनकी भी हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। चलो अब अरेंज करना शुरू करते हैं फटाफट से, जस्ट सी कि मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये बार बार परेशान ना करे इसलिए हम उसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी लॉक हो गया है, अब हम इसको बढ़िया सारी चीजों को अरेंज कर पाएंगे। और राइट, तो मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें अरेंज कर दिया है। नाउ आई नीड सम ट्रीज, कुछ अच्छे अच्छे से ट्रीज आ जाएं अगर तो बढ़िया रहेगा। तो ट्रीज के लिए जाते हैं हम, क्योंकि हॉलीडे वाला वाइब देना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे वापस से फोटोज पे। लेट्स सी हमारे पास कुछ ट्रीज आ जाएंगे तो लाइक दिस, और हम इनको भी बढ़िया तरीके से अरेंज कर देंगे ताकि ये आधे अंदर रहें और आधे बाहर रहें वाला सीन। ओके, सो इस तरीके से कुछ मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगी। अब हम ना थोड़ा सा डिफरेंशिएटर चाहिए, क्योंकि देखो तुम सारी इमेजेस ना और आगे वाली इमेजेस में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम सन के लिए टाइप करते हैं, सन क्लाउड सारी चीज़ें ऐड करेंगे। लेट्स सर्च फॉर सन, और सन के नाम पे हम ये वाले सन नहीं, इस तरीके का कुछ ऐड करना मैं पसंद करूंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई एकदम रोशनी टाइप का एलिमेंट हमें मिल जाए लाइक दिस, और हम उसको पीछे इस तरीके से ऐड कर दें, इस तरीके से। इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल राइट, हम इसको इस तरीके से ऐड कर दें। और मैं तो चाहती हूँ हम बुद्धा के पीछे ही ऐड कर देते हैं, ये जो उनके स्टैचू है जो भी है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। और दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड, हम बस इसका थोड़ा सर्कल का ये पार्ट ऐसे कर देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का हो रहा है, मुझे थोड़ा लाइट इंटेंसिटी का चाहिए। लेट्स सर्च फॉर इट। सो आई गेस दिस विल वर्क, ये बेटर है। कूल, अब इसको थोड़ा सा रोटेट वोटेट कर देंगे अपने हिसाब से, हमें जैसा चाहिए हो। अब मुझे जो है थोड़े से लीव्स चाहिए हैं, एंड हम और भी चीज़ इसमें ऐड कर पाएंगे। सो लीव्स के लिए सर्च करेंगे, या थोड़े बहुत क्लाउड्स के लिए सर्च करेंगे। सो लेट्स गो। तो देख सकते हो तुम, क्योंकि वो यहाँ पर सन का वाला सीन है, तो ये देखो इन पे भी इफेक्ट आ रहा है लीव्स पे। और मैं तो कहती हूँ कि ये हटाते हैं ये वाला सन, हम येलो कलर का ग्लो डालते हैं सीधा, येलो और वाइट कलर का, दैट विल लुक इवन मोर गुड। तो येलो के लिए सर्च करती हूँ मैं, और लेट्स सी, या दिस इज कूल। तो हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से, थोड़ा बड़ा करके। अब मुझे वाटर कलर में ब्लू चाहिए है, सो लेट्स सर्च फॉर वाटर।
थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या, देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर नीचे एक वाटर कलर वाला वो यूज़ किया है। अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम ग्रीन कलर का एलिमेंट्स ऐड करेंगे ना, जैसे ग्रास रियल वाली, तो वो अच्छा लगने लगेगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे लगता है। लेट्स सर्च फॉर ग्रास। ऑल राइट, दिस इज प्रिटी गुड। अब हम इससे ही अरेंज करेंगे। ये दो तो चल जाएंगी, एक भी चल जाएगा, बट फिर वो पूरे में वैसा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम बुशेस चेंज करते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो इसके पीछे से आ रहे हैं, बट फिर ये वाली जो वो है नकली सी लग रही है, इसलिए हमको एक ही पैटर्न रखना होगा, वो कायम रहे पूरे में। सो या लेट्स लेट्स ट्राई आर बेस्ट कि वो अच्छा लगे। सो आई गेस दिस इज लुकिंग प्रिटी गुड। अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। और मैं सोची हूँ येल्लो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम वाइट कलर का देखते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ 12 बज रहे हों, तो 12 बजे वाला सूरज तो वाइट ही होता है। लेट्स गो फॉर वाइट। यस, सो ये अच्छा लगेगा आई गेस। हाँ, थोड़ी सी पीछे के बैकग्राउंड में भी उसने वो करा है, सो हम इसको एकदम पीछे डालने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा आगे। या सो दिस इज लुकिंग प्रिटी गुड नाउ। ये हमारी पत्तियों को हम थोड़ा पीछे भेज देते हैं। यस, यही मैं चाह रही थी। पानी और थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो और मजा आ जाए। लेट्स सर्च फॉर वॉटर अगेन। हम हार नहीं मानेंगे। तो ये कैसा लगेगा ये देखते हैं दोस्तों। सो आई गेस आई एम हैप्पी विद दिस। ये फर्स्ट पेज खाली पड़ा हुआ है। आई एम हैप्पी विद दिस, अभी अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा वही आ रहा है, एकदम फन फन सा पोस्टर बन रहा है। अब हम क्लाउड्स के लिए सर्च करते हैं। तो हम क्लाउड्स कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब इस पूरे को हम कर देंगे ग्रो, हमारी इमेज बन चुकी है। ठीक है, इसको 1 मिनट कट करते हैं पहले। इसको करेंगे अनलॉक, इसको भी लाएंगे यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और अब पूरे को करेंगे सेलेक्ट करके ग्रो, एंड हम इसका साइज कर देंगे छोटा। ठीक है, इस तरीके से। सो हमारी मेन इमेज जो हमें चाहिए थी हमारी पोस्टर के लिए, हमने वो बना ली है नाउ। अब हम बनाएंगे पोस्टर इतनी मेहनत करने के बाद। सो लेट्स गो। हम बहुत ही मिनिमल सा टेक्स्ट वेक्स रखने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी लोगो आप पहले वो डाल सकते हैं। तो लोगों के लिए सर्च करते हैं, ट्रैवल लोगो डालते हैं, एंड आई गेस ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम इसी को डाल देंगे। हम इसको छोटा करते हैं और यहाँ पर प्लेस करते हैं, ये हमारा लोगो रहेगा। इसके कलर्स हम अकॉर्डिंग टू अस चेंज कर देंगे। ठीक है, ओके, प्रिटी गुड, नॉट बैड। इसको हम लाइट ग्रीन कर देंगे तो अच्छा रहेगा वैसे। ये सो लोगो हमने काफी बड़ा रखा है क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रहा है, इस तरीके का कुछ सीन है। थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ मैं इसे। अब जो भी इसकी डिटेल्स रहेंगी, जैसे 4 नाइट 5 डेज, और यहाँ पर जाके हम एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आई एम गोइंग विद रोबोटो दिस टाइम। और हम इसकी यहाँ से लाइन स्पेसिंग वगैरह सारा एडजस्ट कर देंगे। ये स्पेसिंग का ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ से लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन है, तो हम लेटर स्पेसिंग देखो मैंने एकदम ही कर दी है, बढ़ा दी है। ठीक है, 4 नाइट 5 डेज, ये स्लैश आ गया है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला चाहिए था। ठीक है, सो प्रिटी कूल, ये लिख दिया हमने। आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, बट मैं इसके नीचे वाला टेक्स्ट बोल्ड रखने का सोच रही हूँ, दैट्स वाई। और हम लोगों को थोड़ा सा छोटा करेंगे, हल्का ही। और अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बैंकॉक वगैरह वगैरह, जो भी आपको लिखना हो। सो हम यहाँ लिख देते हैं थाईलैंड, और इसको हम बोल्ड कर देंगे, इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे। लेट्स गो फॉर 20। ठीक है, थाईलैंड ट्रिप, कूल। और इसका हम थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग अगर चाहें तो कम कर सकते हैं, बट आई गेस दिस इज टोटली फाइन। इसका कलर जो है हम सारे लोगों का ब्लैक नहीं रखेंगे, हम हल्का सा ऑफ ग्रे में जाएंगे, मतलब ये वाला साइड जाएंगे, एंड या प्रिटी गुड। अब यहाँ पे जो बाकी की डिटेल्स रहेंगे वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जैसे नॉर्मली होता है। इसका अलाइनमेंट कर देंगे इस तरीके से, एंड हम इसका स्पेसिंग जो है वापस कर देंगे कम। ठीक है, और अब जो भी टेक्स्ट लिखना हो, XYZ छोटा छोटा, वो लिख देते हैं यहाँ पर, बोल्ड हटा देंगे,
एंड हम साइज कर देंगे इसका वापस से 12 कुछ, एंड विल टाइप हियर। एक लाइन ऐड करेंगे यहाँ से इस तरीके से, या लेट्स गो, इसको कर देंगे हम 1, एकदम ही पतली लाइन। एंड हम नीचे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं कि वी आर जस्ट 1 फॉल अवे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम इस साइड लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, एंड वील अलाइन इट इस तरफ से, एंड लेट्स गो टाइप। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स डाल करके पेमेंट डिटेल्स भी डाल सकते हैं कि कितनी कितनी है, तो हम यहाँ पर एकदम लिखेंगे INR पर पर्सन इस तरीके से, और हम सेट कर सकते हैं कि हमें वो डिटेल कहाँ देनी है या कहाँ दिखानी है। लेट्स से हमको यहीं दिखानी है INR पर पर्सन, एंड विल सेट अप द प्राइस राइट हियर। इधर पे हम लिख सकते हैं 20,999, ओके। और अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, या सो दिस इज लुकिंग क्वाइट कूल। हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और यहाँ पर हम INR जो हमने लिखा हुआ है इसको बोल्ड कर देंगे, इसको अकेले को बोल्ड करेंगे, एंड एक पतला सा रेक्टेंगल लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे इस तरीके से। पोजिशन पे जाएंगे हम यहाँ से, पोजिशन कहाँ है, पोजिशन पोजिशन पे जाएंगे, सेंटर जाएंगे, टू बैक कर देंगे, फिल पे आएंगे, नन करेंगे, वाइट की जगह नन ही कर देते हैं, इस पे आएंगे, बॉर्डर से 1 करेंगे, कलर पे जाएंगे एंड विल सेट इट लाइक दिस। और अभी आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा, और अब हम जो है इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, प्रिटी गुड। इसको सेंटर में लेकर के आते हैं, इसको भी सेंटर में लेकर के आते हैं, एंड हम इसको ये वाली लाइन को जो है इसी को यूज़ करेंगे इस तरीके से 90 डिग्री पर घुमा करके, और ऐसे हाइट वेट सब कम करते हुए ये एकदम ही कम कर दिया। नाउ लेट्स गो अबव, ये सो नाइस, प्रिटी गुड। अभी ये इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा। अब हम इसको अनग्रुप करेंगे, और हमारा जो पेड़ पौधे हैं इनको थोड़ा बड़ा करते हुए ऐसे लेकर के आएंगे इस तरीके से, और राइट, और हमारी पत्तियों को थोड़ा सा ऊपर से भगाएंगे ऐसे। सो दिस इज लुकिंग प्रिटी गुड आई गेस। अभी और कुछ चेंजेस आपको करने हो आप अपने एंड से कर सकते हो। काफ़ी हल्का फुल्का सा पोस्टर जो है हमने बना करके रेडी कर लिया है, सो नाउ लेट्स डाउनलोड इट एंड लेट्स सी कैसा लिखता है ये मॉकअप में। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और पर्पल वन, एंड लेट्स सी द मॉकअप।